हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकता है। ये किसी जेम से कम नहीं है, इस वजह से आपको इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रह सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो के एंड में इसका एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। सबसे पहले हम इस स्टॉक के की फाइनेंशियल रेशियोज को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हमें इसके फेयर वैल्यूएशन के बारे में एक प्रॉपर पिक्चर मिल सकता है। FY18 में इसका बुक वैल्यू पर शेयर 28.25 रुपी था, जो कि FY19 में ग्रो करते हुए 34.23 रुपी तक पहुंच चुका है। हम इसके ROA परसेंटेज को भी विद इन वन ईयर ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। ये FY18 में 7.32% से ग्रो करते हुए FY19 में 14.03% तक आ चुका है। वैसे हम इसके ROE और ROCE परसेंटेज को भी 17% से ग्रो करते हुए ऑलमोस्ट 30% तक ग्रो करता हुआ देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके PE लेवल्स को भी 10.8 से 14.8 तक ग्रो करता हुआ देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इस स्टॉक के प्राइस में ग्रोथ आने के साथ साथ हमें इस स्टॉक के EPS में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से इसका PE बहुत ही कम लेवल्स में अभी भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम इसके डेट पर इक्विटी रेशियो को 0.64 के लेवल से 0.44 के लेवल तक आता हुआ देख सकते हैं। इसे हमें इसके डेट मार्जिन में एक डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज देखने को मिल जाता है। इस वजह से इस स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में प्राइस में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम इस स्टॉक के लास्ट 3 साल के एनुअल रिजल्ट को कंपेयर करने वाले हैं, जिसे हमें इसके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में एक प्रॉपर पिक्चर मिल सकता है। मार्च 2017 में इसका नेट सेल 1419.59 करोड़ था, जो कि 27.03% ग्रो करते हुए मार्च 2018 में 1803.32 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे हम लास्ट 12 मंथ में भी इसमें 13.98% का एक ग्रोथ को देख पा रहे हैं और ये करेंटली 2001.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देख सकते हैं, जो कि मार्च 2017 में 288.77 करोड़ था, वो मार्च 2018 में ग्रो करते हुए 431.15 करोड़ तक पहुंच चुका है। और हम लास्ट 12 मंथ में भी इसमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड को देख सकते हैं और ये करंटली 505.69 करोड़ तक पहुंच चुका है। हमें इसके EBITDA मार्जिन में भी एक शानदार अपसाइड देखने को मिल जाता है। ये मार्च 2017 में 20.34% से बढ़ते हुए लास्ट 12 मंथ में 25.27% तक आ चुका है। वैसे हम इसके नेट प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल जाता है। ये मार्च 2017 में 87.7 करोड़ था, जो कि ग्रो करते हुए लास्ट 12 मंथ्स में 295.13 करोड़ तक पहुंच चुका है। वैसे हम इसके EPS यानी कि एनुअल EPS में भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड को देख सकते हैं। ये मार्च 2017 में 3.45 रुपी पर शेयर था, जो कि लास्ट 12 मंथ में ग्रो करते हुए 9.24 रुपी तक पहुंच चुका है। इस वजह से आपको इस स्टॉक में आने वाले कुछ साल में एक बेटर प्राइस देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक आपको एक मल्टीवैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने के लिए आपको इसके कैश फ्लो को एनालाइज करना होगा, जिसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। मार्च 2017 के एनुअल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें इसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 258.83 करोड़ जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 95.9 करोड़ का कैश आउटफ्लो होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल एक्टिविटीज से 163.62 करोड़ को आउटफ्लो होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें जो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिल जाता है वो -0.68 करोड़ है, यानी कि मार्च 2017 के एंड होने के बाद हम इस कंपनी से 0.68 करोड़ का कैश आउटफ्लो होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके बाद हम मार्च 2018 के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 404.89 करोड़ को इन्फ्लो होता हुआ देख पा रहे हैं, जबकि हम इसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 274.5 करोड़ को आउटफ्लो होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल एक्टिविटी से 128.23 करोड़ को आउटफ्लो होता हुआ देख पा रहे हैं, जबकि इस सिनेरियो में हमें पॉजिटिव साइड में कैश इनफ्लो होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि 2.16 करोड़ है। तो हमें इस डेटा से ये पता चलता है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा
इन्वेस्ट कर रही है, तो इस वजह से आपको आने वाले कुछ साल में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकता है। रिसेंटली लास्ट वन वीक में हमें इस स्टॉक में 5.26% का एक अपसाइड देखने को मिल जाता है, जबकि हम सेंसेक्स में 1% का एक फ्लैट मूवमेंट को देख पा रहे हैं। लास्ट वन मंथ में भी हमें इस स्टॉक में 7.75% का ग्रोथ देखने को मिल जाता है, जबकि सेंसेक्स मोस्टली फ्लैट रहा है। ईयर 2019 में हम इस स्टॉक में 9.72% का ग्रोथ को देख पा रहे हैं, जबकि हम सेंसेक्स में 8.22% का एक अपसाइड को देख सकते हैं। लास्ट वन ईयर में हमें इस स्टॉक में एक डाउनसाइड देखने को मिल जाता है, जबकि हम सेंसेक्स में 11% का अपसाइड को देख सकते हैं। लॉन्गर टाइम होराइजन, जैसे कि हम 10 साल में इस स्टॉक में लगभग 638% का एक मल्टीबैगर रिटर्न को देख सकते हैं, जबकि हमें सेंसेक्स से 242.29% का एक रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लॉन्गर टाइम होराइजन में इसने हमेशा सेंसेक्स को बीट किया हुआ है, लेकिन रिसेंट टाइम में जैसे कि हमने लास्ट वन ईयर में इसमें एक डाउनसाइड देखने को मिला हुआ है, तो इसमें आगे आने वाले टाइम में आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिस वजह से आपको रिसेंट सिनेरियो में इसमें अपना लॉन्ग पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मार्च 2019 क्वार्टर एंड होने के बाद हम इस स्टॉक में प्रमोटर के होल्डिंग को 50.68% पे देख पा रहे हैं, जिसमें से कुछ भी प्लेस नहीं किया गया है, यानी कि प्रमोटर ने अपना कोई भी स्टेक को गिरवी नहीं रखा है। इसके बाद हम इस स्टॉक में FII और DII होल्डिंग को 1.88% और 0.26% पे देख पा रहे हैं। इस स्टॉक में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद हम इस स्टॉक में नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर को 47.18% के स्टेक को ओन करता हुआ देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आपको भी इसे देखते हुए इस स्टॉक में अपना लॉन्ग पोजिशन बनाने के बारे में प्लान करना चाहिए। फाइनली स्टॉक का नाम आपके सामने आ चुका है, ये है मेघमनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है, जो कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी अपना काम करती है। पिछले कई महीनों से हमें इसमें एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा था, जो कि फरवरी 2019 के बाद इसमें खत्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसने 6 फरवरी को 42.15 के लेवल्स पे अपना ईयरली लो बनाने के बाद हमें इस स्टॉक में काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाता है। करेंटली ये 66.5 रुपी के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इसमें हमें कंटिन्यूस बेसिस पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, जिसे हम इसके RSI लेवल से पता कर सकते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके RSI लेवल को चेक करें तो आपको फरवरी के बाद इसमें काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल जाता है, जो कि 22 के लेवल से मूव करते हुए करेंटली 56.70 के लेवल तक पहुंच चुका है। तो अगर आपको मार्केट में कभी भी एक अपसाइड देखने को मिले तो ये आपको इस स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये स्टॉक आपको इवन फर्दर अपसाइड में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप करंट सिनेरियो में इसमें 60 से लेके 65 के लेवल के बीच में अपना बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं और आपको अपना जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा आप इसे 50 के लेवल्स के आसपास प्लेस कर सकते हैं। और इसमें हमें 12 मंथ्स में जो टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है वो इसका लास्ट ईयर का हाई है, यानी कि हम 100 के लेवल्स के आसपास इसमें अपना टारगेट को सेट कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली एक काफ़ी अच्छा कंपनी है, जिसमें हम आगे आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से अगर आप इस स्टॉक को लॉन्गर टाइम होराइजन के लिए अपना पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देके सकता है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ को कंसिडर करना होगा, इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से आपको मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 2% तक ही इस स्टॉक के लिए एलोकेट करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक के लिए एलोकेट करते हैं तो ये आपका एसेट डाइवर्सिफिकेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसे कंसिडर करते हुए आप मैक्सिमम 2% तक ही स्टॉक के लिए एलोकेट कर सकते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्त और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी स्टॉक के बारे में पता चले और वो भी स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए अपना प्रॉफिट को बुक कर सकें।